गौतम दा यूथ फेस्टिवल और स्वामी जी पूरी दुनिया के यूथ का आइकॉन, क्या कहेंगे। बंगाल क्लब ने तो समा बांध दिया है और पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम बंगाल क्लब जमशेदपुर कर रही है, क्या कहेंगे आप। ये देखिए, एक संगीत के माध्यम से, संगीत और यहाँ जो आर्ट पेंटिंग जो यहाँ पर हम लोग आज किए, दिन भर सुबह से पेंटिंग वर्कशॉप हुआ, आर्ट वर्कशॉप और पेंटिंग एग्जीबिशन, ये संगीत के, संगीत और इस तरह का सांस्कृतिक गतिविधि के माध्यम से हम लोग जो है विश्व शांति और भाईचारे की बात लोगों में हो, लोग समावेश करें, विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ समावेशित हो और एक साथ मिलजुल कर जो अपना सांस्कृतिक जो प्रस्तुति दे, और प्रस्तुति के माध्यम से वे ये वाणी जो है स्वामी विवेकानंद का वाणी जो है, सभी धर्म जो है समान है, सबका एक ही लक्ष्य है जो है वो ईश्वर अल्लाह सबका सब समान है, और ये सब मिल के जो है हमको रहना है, विश्व में शांति लाना है। और एक चीज़ यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर पेंटिंग सुबह का, उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू था जो आपका क्या बोलते हैं पर्यावरण पर, पर्यावरण के कारण जो अभी कैसे पूरे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बाढ़ आ रहा है और सॉइल इरोजन हो रहा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा और प्रचंड गर्मी बढ़ रहा, तो ये सब चीज़ पर जो है यहाँ पर आज पेंटिंग्स हुआ। और युद्ध जो नहीं है, युद्ध नहीं, शांति चाहिए, विश्व में शांति हो, जो है महिलाएं बच्चे युद्ध में जो है उनका हानि हो रहा है, ये सब बात पर जो है पेंटिंग भी हुआ, पेंटिंग में देखिए यहाँ पर है। और बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर जो कलकत्ता का जो नामी, पूरे इंडिया का नामी, सिराज अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान का जो घराने का जो है महियार घराने के, वो आए हुए हैं यहाँ। यहाँ हम लोग 13 बच्चों को जो है हम लोग प्रोग्राम में, जो कम उम्र के बच्चों को जो हम लोग यहाँ मौका दिए हैं जो सांस्कृतिक क्लासिकल प्रोग्राम हो रहा है। ये दादा कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है? 13 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा जो है, बच्ची जो है वो कलकत्ता की है, बाकी यहाँ 12 बच्चा है यहाँ का। शेड्यूल क्या है प्रोग्राम का आज और कल का? आज तो यहाँ अभी इसके बाद सिराज अली खान का प्रोग्राम होगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कल जो फिर शाम को हम लोग 5 बजे से